तो हिमाचल एंटर करते ही एक मन तो आ गया कि हाँ चल आ जा भाई, तेरा स्वागत करते कुछ इस तरीके से। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ। बहुत क्यूट हो आप। अपने किन तो तेलो बारे पोड़ गया ना। हाँ पूरा मतलब 300 रुपये लीटर। हाँ, 300। ओके चलो, दिल्ली से कोई भाई लोग अगर देखते हो ना तो गाइस थोड़ा सा कमेंट कर दिया करे। एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये गलती मत करना मेरे तरह जैसे मैंने किया। सो गाइस वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। यस, इट्स अ डे 3 एंड ये एपिसोड 3 है। और लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग देख लो। एंड अभी फुल फ्रेश हो चुके हैं, अभी बज रहा है आपका 8:30। यस, तो अभी निकलना है हम लोगों को, तो सबको एक साथ निकलेंगे। एंड आज का डिस्टेंशन है चांबा, जो कि है अपना 650 किलोमीटर ऑलमोस्ट। यस, तो आज भी रात होने वाला है, कम से कम 10 तो बजने वाला है। और 100 से 150 किलोमीटर पहाड़ी में राइड करना है, उसके आगे हाईवे मिला के ऐसा वैसा टोटली 700 के आसपास कुछ है, 650 से 700 के अंदर ही है। तो अभी रूम देख सकते हो ऐसे ही मेस्ट पड़ा है और मैं भी फुल रेडी हो चुका हूँ। जस्ट सिर्फ अभी गियर अप करना है, मेरा जितना सब सामान था सब कुछ पैक हो चुका है, गियर अप करना है और निकलना है। और आप लोगों को नीचे जाके मिलते हैं और दिखाते हैं क्या सीन है नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो देखो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर करना अच्छे लगे तो। और नीचे चलो मिलते हैं। आई होप कि भाई साउंड आ जाए, कल का वीडियो में सब ठीक ठाक था, साउंड अच्छा था। अभी टेनर जो है ना वो हाइडर चला रहा है क्योंकि साई भाई पीछे है, क्योंकि उसको एडिट करना है और वो इसीलिए कार पे अभी बैठा होगा, 2-3 घंटा बाद फिर से स्वीप कर लेगा। एंड अभी वेदर काफ़ी मस्त है यार, रात को बहुत तेज़ बारिश हुआ, बहुत तेज़, बहुत अच्छा खासा बारिश हुआ है, तो इसीलिए अभी वेदर सही है, धूप ना आए तो सही है। कल बहुत ज़्यादा धूप था यार सुबह। ये चीज़ ना भाई बहुत ही बड़ी लगती है, मतलब जिस तरफ जा रहे हैं ना उसी तरफ पूरा ग्रीनरी दिख रहा है, बहुत मस्त लगता है ये दिल्ली में मेरे को। अपना उधर भी है, ऐसा नहीं है कि अपना उधर नहीं है, अपना उधर भी बहुत सारा एरिया है कि बहुत मतलब पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। और अभी सबसे टेंशन वाली बात है ना, मेरा फ्यूल एकदम कम हो चुका है एकदम, मतलब तो 5 किलोमीटर भी अभी जाएगा कि नहीं पता, मतलब रिजर्व का भी नीचे आ चुका है और कोई पेट्रोल पंप मेरे को नहीं मिल रहा है अभी तक। देवाशीष भाई के पास फ्यूल है 5 लीटर, तो वो अगर मतलब अभी ख़त्म हो जाएगा ना तो वही डालेंगे, डाल के 5 लीटर में तो मेरा कम से कम चला ही जाएगा, 50 किलोमीटर तो कम से कम जाएगा सिटी के अंदर भी। ओए होए 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 होए, क्या मज़ेदार सीन था यार भाई। ये क्या चीज़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंड बहुत ही बड़ा सा है, मेरे को नहीं पता, कमेंट कर देना गाइस क्या चीज़ है, किसी को पता हो तो मेरे को भी पता चल जाएगा। अच्छा, अक्षरधाम मंदिर, अच्छा अक्षरधाम मंदिर होगा शायद ये। ओके, बहुत ही बड़ा सा यार। तेल ख़त्म एकदम, और थोड़ा सा जाएगा ख़त्म हो जाएगा। हाँ पेट्रोल, हाँ पेमेंट, तुम्हें एक राइडर नहीं आसो दवा खाली तो गाइस पूरा ख़त्म हो गया। एक चीज़ दिखाते हैं, ये आप देख सकते हो, ये जस्ट ऑन किया ना, जस्ट इतना तक ही पूरा ख़त्म। अरे अरे गिर रहा है, गिर रहा है। अपने किन तो तेलो बारे पोड़ गया ना। हाँ पूरा टाइम काफी कुछ, मतलब 300 रुपये लीटर। कैसा काम करता था तुम, थोड़ी ठुकी दी तारा तारा। अरे रास्ते धीरे धीरे, बस बस ऐसे रखो ना, ऐसे रखो ना। हाँ बिग शाउट आउट देवाशीष दा, DIH पावर सॉल्यूशन। पेमेंट 500 दिवे, 500 नीचे। इसमें कितना लीटर था मेरे को पता नहीं, लेकिन भाई बोला 500 लगेगा। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन शायद ही लाल किला है क्या, नहीं पता, अगर है तो है, वैसे ही टाइप का कुछ लग रहा है। वो लाल दीवार देखने से ना मेरे को लाल किला लगता है। बहुत मन था यार दिल्ली एक्सप्लोर करने का, अपना भूसा ले गया फर्स्ट टाइम। यस, तो इंशाल्लाह आने का टाइम अगर होता है ना तो ज़रूर से करेंगे। दिल्ली से कोई भाई लोग अगर देखते हो ना तो गाइस थोड़ा सा कमेंट कर दिया करे कि हाँ भाई दिल्ली से है, और जो एक होता है ना दिल्ली से वो समझ सकते हो आप लोग, तो वैसा कमेंट मत करो बट कर देना ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ चलो इधर का भी भाई है अपना फैमिली में। गाइस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये गलती मत करना मेरे तरह जैसे मैंने किया। मैं एक चीज़ सोच रहा था, अगर देवाशीष भाई ना होते ना तो क्या होता मेरा आज, वो ट्रैफिक में वो सिटी के अंदर
मतलब वाट लगने वाला था मेरा। तो जब भी आपका मतलब फ्यूल स्टेशन देखे एंड आपका फ्यूल लेवल कम हो चुका है, मतलब हाफ टैंक से नीचे आ चुका है, तो आप उसमें डाल लो, फ्यूल डाल लो। ये एकदम फर्स्ट टाइम हुआ सीरियसली, मतलब लाइफ में, पूरा लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि इतना कम हो चुका था मेरा पूछा का, मतलब मेरा सुपर बाइक का फ्यूल। छोटा बाइक का तो होता ही है, कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है, तो वो टेंशन नहीं है कि वो आप धक्का मार के लेके जा सकते हो या फिर कहीं से भी कुछ मैनेज हो सकता है। लेकिन भाई ये भूसा को धक्का मारना, ओ माय गॉड। तो जो भी हो थोड़ा सा ये इसमें ध्यान रखें। सो फ्यूल अप हो चुका है, मतलब फुल टैंक हो चुका है, अभी कम से कम 200-250 किलोमीटर अभी कोई ज़रूरत है, 200 नहीं 250 प्लस। चलो सही है, सब सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और जो एक्सपीरियंस करते हैं राइड के दौरान कुछ भी अच्छा हो बुरा हो आप लोगों से शेयर करते हैं, ताकि बहुत भाई लोग वीडियो देखता है जो कि राइडिंग स्टार्ट करता है, बाइकिंग स्टार्ट करता है, बाइकिंग करता है, ताकि आप लोगों को हेल्प हो थोड़ा बहुत अगर ओए तो समझ सकते हो आप लोग, इसीलिए आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग ये चीज़ फेस ना करो, सब चीज़ स्मूथली चले। पानीपत पहुँचते हैं, पानीपत पहुँचने के बाद कुछ खाना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो किए नहीं थे, कल ब्रेकफास्ट किए थे, मतलब ब्रेकफास्ट टाइम में ब्रेकफास्ट किए थे कल गन्ने का रस, एंड आज ब्रेकफास्ट किए नींबू पानी। धूम है, धूम भाई कौन सा है, धूम भाई कौन सा है, वो वाली उसका नाम क्या है, देखना नहीं है, देखना ना देख के बताना है, हाँ सब पता है तुमका। क्या नाम है इसका, KTM देखा दो इसको थोड़ा सा, हाई बोल ले इधर, हाय कैमरे, हाय फिर से बता दो इसका नाम क्या है, KTM पक्का, एकदम पक्का, अगर गलत हुआ तो उसको दो चप्पड़ मार ले, गलत हुआ तो दो चप्पड़, ऐसा ही हुआ तो वेरी गुड ना, ये बंदा सही है, ये बंदा सही है। नाम क्या है तुम्हारा, चॉकलेट खिला दे बच्चे, तू अगर सही बोल देगा ना, बाबू पैर हटाओ, करा मैं उसका आपको पैर में जल, हाँ तुम अगर सही से बोल देगा तो अभी पक्का चॉकलेट मिल जाएगा तुमको, सही बताओ चॉकलेट मिल जाएगा 100%, कोई भी बता दो, जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा, हाँ बस तुम आउट, तुम्हारा नहीं हुआ, अब तुम लोग बताओ। धूम तो फिल्म का नाम हो गया, नहीं और नहीं होगा, तुम्हारा आइटम खत्म है, बताओ बता सकते हो, खत्म नहीं, तुम बताओ, चलो तुम डिस्क्वालीफाई हो गए तुम लोग। और पानीपत इधर से 45 ऑलमोस्ट किलोमीटर है, ओ सामने दिखा, पानीपत नहीं 35 किलोमीटर है, यस 35 किलोमीटर ऐसे रोड है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स। सो चलते हैं आराम से, मज़े करते हैं। और ये रोड पे ना भाई बहुत सारा ढाबा मिला, ये रहा एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट नहीं है ये, फ्लेवर उड़ान, अच्छा उड़ान है मज़ेदार है, अपना कोलकाता में भी है एक। तो ये आ गया अपना ज़हीर, और ये इधर वेट कर रहा था। सो गाइस ये रही अपनी बाइक का लाइनअप, और पीछे है आउचा पंजाबी ढाबा, और इधर पीछे देख सकते हो ये पानीपत टोल टैक्स, तो पानीपत टोल टैक्स क्रॉस करके हम लोग इधर आए, अभी इधर ब्रंच करेंगे, और ये जो सर्विस मैन दिख रहा है ना, तो इधर ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट बार बार बोल रहे हैं, ब्रेकफास्ट ब्रंच लंच जो भी है करेंगे, इधर करके निकलेंगे थोड़ी देर में, निकल के देखते हैं अभी बज रहा है, यस अभी 12:05 हो चुका है, इधर से निकलने कम से कम 1 बज जाएगा भाई अपना। इधर ना ये चाय आ चुका है, लेकिन ये चाय नहीं लग रहा है, लग रहा है कल सुबह गन्ने का जूस पिया था ना उसी टाइप का लग रहा है, लेकिन गर्म है, इधर का ऐसे ही सब खाता है कि पीता है कि नहीं पता, इतना मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों बाद, मतलब 3 दिन से अच्छे से खाना नहीं खाया, मतलब जिस दिन निकले थे उधर से आज तक अच्छे से खाना नहीं खाया, आज खाएंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। चलो चलिए भाजी मिलते हैं फिर, हाँ जरूर। आज का डेस्टिनेशन चांबा था, बट लेट्स सी क्या होता है, चांबा पहुंच पाते हैं कि नहीं, चलाएंगे कहाँ रुकेंगे अभी तक नहीं पता, बट देखते हैं क्या हो पाता है। आप लोग म्यूजिक एंजॉय करो, वीडियो एंजॉय करो, मेरे साथ साथ
ये राइड का मजे लो एंड फ्रेंड लोगों को शेयर करो ताकि उन लोग भी मजे पाए एंड लेटेस्ट में शेयर करो, शेयर करना एकदम रुकना चाहिए। जो एक्सपीरियंस होता है राइड का ना, वो चलते वक्त दोस्त लोगों के साथ, भाई लोगों के साथ कहीं रोकते चलते चलते कहीं एक अच्छा सीन मिल जाता है तो कहीं रोकते हैं या फिर पिक्चर वगैरह लेते हैं। एंड उस टाइम में जो गॉसिप होता है ना, रोड एक्सपीरियंस, यस रोड में कैसा क्या हुआ, कौन कैसे गया है, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, शेयर करते हैं एक दूसरे से, भाई लोगों के साथ मजाक होता है, तू ऐसे चलाया, तू ऐसे किया, तू को ऐसा नहीं करना था, ये सब जो चीज़ होता है ना भाई, अल्टीमेट होता है। एंड वही चीज़ के लिए इधर रोका गया था, फुल मज़ा लिया गया है, कम से कम 15-20 मिनट लगा गया, पिक्चर वगैरह सब लिए, मज़ा आया, यही चीज़ याद रह जाता है। एंड इसके साथ साथ ना एक चाय का दुकान मिल जाता है ना हाईवे के ऊपर, और ऐसा वेदर, अपना बाइक्स, अपना भाई लोग, अल्टीमेट। ओके अब आ गए वीडियो में, ठीक है, आपका नाम बता दो। मेरा नाम दक्ष है। दक्ष है, कहाँ से हो आप? लुधियाना से ही हो, अभी कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस टू मीट यू, क्या नाम है आपका? अच्छा सीरत, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ, बहुत क्यूट हो आप। हेलो, थैंक यू। ओके, पठानकोट से 100 किलोमीटर है चांबा, तो इधर से पठानकोट 100 किलोमीटर है और पठानकोट से 100 किलोमीटर है, अभी भी 200 किलोमीटर अभी भी बाकी है और अभी ऑलमोस्ट 6 बज चुका है। यस यस, 7 बज चुका है, इधर 7 बजे भी ना, मतलब लगता नहीं है कि 7 बज रहा है, क्योंकि अपना उधर ना बहुत, मतलब 7 बजे एकदम अंधेरा हो जाता है यार। इधर क्या है, 7 बजे हम लोग का उधर के हिसाब से अगर चलते हैं ना, तो 7 से 4:30-5 बज रहा होगा ऐसा, मतलब लाइट ऐसा रहता है, लाइट कंडीशन। अभी सीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है एंड ये राइड मुझे लगता है कि अभी तक का मैंने जितना राइड किया है वन ऑफ द हेक्टिक एंड डिफिकल्ट बोल सकते हो राइड होने वाला है। अभी बज रहा है 7:45 बज रहा है अभी, मेरे को लग रहा है कि लगभग आज 2 बजे तक राइड करना होगा, कम से कम 1 से 2 बजे तक राइड करना होगा। सुबह राइड स्टार्ट किए थे 8:30 बजे, 8:30 बजे से रात के 2 बजे तक, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, फिर सुनो ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसके बाद 2 बजे राइड करने के बाद 1 से 2 घंटा रेस्ट मिलेगा, उसके बाद फिर से राइड स्टार्ट करेंगे 3:30 से 4 बजे के अंदर। ये देखो कैसे भाग रहा है वो, विदाउट हेलमेट, ना ग्लव्स, ना शूज, ना कुछ। अरे तेरी कोई जरूरत नहीं है भाई, आराम से, ना जान ना पहचान मेरी जान है। लेकिन भाई इधर एंटर करते ही ऐसा सीन देखने को मिल गया, सोचा नहीं था कि इधर भी ऐसा होगा। और हम लोग पठानकोट के ऑलमोस्ट नज़दीकी है, मतलब 4-5 किलोमीटर करीब ऐसा कुछ बाकी है, सामने जो जो कुछ करना है, लद्दाख जाना है, उमलीला जाना है एंड उसके साथ साथ वन ऑफ माई फेव कश्मीर भी जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स सी गाइस कैसे क्या होता है सीन। बट भाई एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हिमाचल, चांबा हिमाचल में पड़ता है, तो हिमाचल एंटर करते ही एक मन तो आ गया कि हाँ चल आ जा भाई, तेरा स्वागत करते कुछ इस तरीके से। मेरे को जो लग रहा है ना, मेरे को जुकाम हो जाएगा। क्योंकि ना जब भी हिमाचल एंटर किया तभी से पूरा वेदर चेंज हो गया, पूरा ठंडा ठंडा सा महसूस होने लगा, तो मेरे को लग रहा है कि विकेट गिरेगा बहुत ही जल्दी। और अभी तो कुछ दिन ठंडी रहने वाला है, एक चीज़ क्या है ना, अभी जो ठंडी में रहेंगे कुछ दिन तो वो सह जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा भी तकलीफ़ नहीं होगा। जब भी ठंडी से वो गर्मी में जाएंगे ना, दिल्ली वगैरह चले जाएंगे या फिर अपना घर जाएंगे ना,
तब उसका असर आता है, तब लगता है अच्छे से। तो अभी रात को कुछ दिखेगा नहीं, चलो डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं, और अभी इसे जिग-जैग करते हुए चलते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो एकदम मिस मत करना। अभी से जो वीडियो आएगा ना, आज का वीडियो देख लिया, नेक्स्ट से जो वीडियो आएगा, लगातार कम से कम 7 से 8 से 10 वीडियो आएगा ना, वो मतलब गजब गजब का सीन आएगा। गजब का सीन तो आएगा, उसके साथ गजब का एडवेंचर, डेंजरस, सब कुछ आएगा। सर जरूर से देखना गाइस सब वीडियो, शेयर करना अच्छे तरीके से, ताकि मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। सपोर्ट करो गाइस,